अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कौन आया जेल में, क्या बताया रोशनी ने? इस वक्त रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल होंगी। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कई कलाकार हमें नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि कहानी में रघु राज यानी रजनीकांत अपनी पत्नी उर्मिला यानी रम्या कृष्णन के साथ अपनी बेटी रोशनी यानी प्रियंका मोहन के आने की खुशी मनाता है। एक दिन रघुराज घर आकर देखता है कि किसी ने रोशनी का रेप कर दिया है और उर्मिला को भी चाकू मार दिया है। अगले सीन में जेल के अंदर एक नए कैदी राजा की एंट्री होती है। राजा जेल के अंदर सिगरेट पीते हुए आता है। रघुराज उससे पूछता है किस लिए सजा मिली है तुम्हें? राजा कहता है अपुन रेप केस में अंदर आया है और जेलर तू टेंशन मत ले, अपुन अरमान भाई का आदमी है, परसों तक अपुन यहाँ से बाहर होगा। पियन यानी योगी बाबू कहता है जेल नंबर 5 के अंदर जाकर देख बेटा, तू बाहर नहीं ऊपर पहुंचेगा। राम राम राम। रघुराज उसे जेल में डाल देता है। वो बाहर अपने टेबल पर बैठा राजा के बारे में सोचता है। पियन रघुराज के पास आता है और कहता है साहब आपको क्या लगता है कि परसों तक टिक पाएगा? रघुराज उसे घूरने लगता है। पियन राजा को खाना देने अंदर जाता है और कहता है यहाँ जितनी भी बार तुम्हें खाना मिलेगा तुम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला समझकर खाना, ठीक है? राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम्हारे जेलर ने मुझे तीसरे दिन यहाँ से नहीं निकाला तो चौथे दिन तुम सबका चौथा होगा। पियन तभी आवाज में कहता है खा ले बेटा, अगर इस जेल के भूत ने तुझे भूत नहीं बना दिया तो मैं यहाँ का पियन नहीं। सामने बैठा रघुराज ये सारी बातें सुनता रहता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से लौटकर घर आती है, तभी रास्ते में उसे राजा रोक लेता है और कहता है अरे मेरी रोशनी कहाँ जा रही है, एक बार मुझे भी तो मौका दे अपनी सेवा करवाने का। गुस्सैल रोशनी उसके पास आती है और उसे एक तमाचा मार देती है। क्यों, मिला मौका या और दूं? ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। राजा कहता है इस लड़की को पता नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अगले सीन में रोशनी और उर्मिला जख्मी हालात में पड़े हैं। रघुराज देखता है कि रोशनी की सांसें चल रही है। रघुराज रोशनी से पूछता है किसने किया ये बेटा, एक बार नाम बता दो उसका, तुम्हारी कसम उससे इतना ज्यादा मारूंगा ना कि वो सोचेगा भी नहीं। रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है राजा और उसके भाई अरमान, वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे साथ। इतना कहते ही रोशनी दम तोड़ देती है। रघुराज उसे गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। इधर अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन रघुराज की पूरी हिस्ट्री पता कर लेती है और उसे अब शक नहीं पूरा यकीन हो जाता है कि जेल नंबर 5 में हो रहे खून के पीछे रघुराज का ही हाथ है। अपर्णा पुलिस इंस्पेक्टर यानी वसंत रवि के पास भागती हुई आती है और कहती है जल्दी करिए इंस्पेक्टर वरना एक और मौत होनी तय है। रात का सीन है, राजा आराम से जेल नंबर 5 में सो रहा है, तभी उसे कहीं से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती है। राजा उठकर बैठ जाता है और आगे बढ़कर पूछता है कौन है वहां, किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, आगे कहानी में क्या होने वाला है ये सब आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। वेल दोस्तों क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।